हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे देखिए, मैं अपने विंडो 10 में स्टार्ट मेन्यू पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेन्यू जो पूरे हमारे स्क्रीन पर देखिए ओपन हो चुका है। देखिए जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। यहाँ पर सारे में स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन और आइकन जो स्टार्ट मेन्यू में होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और ये पूरे डेस्कटॉप पर ही ओपन हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों बाय द वे, तो दोस्तों अगर आप विंडो यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा, जैसे ही हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा स्टार्ट मेन्यू का पेज यहाँ पर ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर फुल साइज में ही ये ओपन हो रहा है, जिससे जो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो पूरी ही कवर्ड हो जा रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको स्टार्ट मेन्यू के पेज को छोटा करेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर टास्क बार पर क्लिक करना है। टास्क बार पर क्लिक करने के बाद टास्क बार सेटिंग को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें टास्क बार का पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमें सीधे यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फॉन्ट से जस्ट नीचे और टास्क बार के ऊपर, तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ऑप्शन शो होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो होते हैं तो इनको हमें छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पर आना है, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, इस पर आना है और इसके जो जस्ट नीचे ये ऑन लिखा हुआ है इस जो ब्लू कलर में, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आ गया और ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको यहाँ से सिंपली मिनिमाइज कर देना है। अब मैं आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो जो हमारा जो स्टार्ट मेन्यू का पेज था वो देखिए शॉर्ट यानी कि छोटा ही हमें शो हुआ है, आपके बारे में फुल स्क्रीन में नहीं आया है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आपको टास्क बार सेटिंग के ऑप्शन को ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू पर आना है और यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है। अगर ये ऑन है तो इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑन ही रखना चाहते हैं तो आप ऑन भी रख सकते हैं, वैसे ऑन रखने में ज़्यादा बुराई नहीं है, काफ़ी अच्छा लुक सो दिखाई देता है, प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो इसको मैं ऑन ही ऑफ ही कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको क्लिक करके ऑफ कर देना है। तो ऑफ करेंगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी और जो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो शॉर्ट साइज में शो होने लगेगा, इस साइज में शो होने लगेगा। सो इस वीडियो के माध्यम से अब आप जान गए होंगे कि हम स्टार्ट मेन्यू को जो फुल साइज में शो हो रहा था उसको हम शॉर्ट साइज में कैसे शो कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।